गाजीपुर से रवि प्रकाश वर्मा सीनियर रिपोर्टर की रिपोर्ट। शादियाबाद प्राथमिक विद्यालय में लगा टीएलएम मेला। शादियाबाद मेले में तमाम तरीके की टीचिंग लर्निंग से रिलेटेड मेथड और इंस्ट्रूमेंट को प्रदर्शित किया गया। मसूदपुर न्याय पंचायत के प्राथमिक विद्यालय और उच्च प्राथमिक विद्यालय के तमाम शिक्षक और शिक्षिकाओं के द्वारा अनेक तरीके के टीचिंग इंस्ट्रूमेंट और लर्निंग इंस्ट्रूमेंट के प्रदर्शनी से स्टॉल सजाया गया। स्टॉलों का निरीक्षण करने के लिए खंड शिक्षा अधिकारी श्री सुदामा राम जी मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। इन्होंने सारे स्टॉलों का बारीकी से निरीक्षण किया तथा शिक्षक शिक्षिकाओं के मेहनत, लगन और समर्पण के लिए धन्यवाद ज्ञापन किया। आपको बताते चले किति एल्बम मेले का उद्घाटन माननीय भाई साहब ने मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलित करके किया। निरीक्षण के उपरांत एबीएसए महोदय ने आयोजक मंडल के साथ साथ सारे लोगों को धन्यवाद दिया। मौके पर तमाम एनपीआरसी बीआरसी और प्रधानाध्यापक मौजूद रहे। दोस्तों नमस्कार, मैं अल्पायु एक्सप्रेस से सीनियर रिपोर्टर आरपी वर्मा और इस समय आपको लेके आए हैं गाजीपुर जिले के मनिहारी ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय शादियाबाद में, जहाँ पे टीचर लर्निंग मेथड यानी टीएलएम मेला लगा हुआ है। और इस टीएलएम मेले की जो सुर्खियां हैं, जो तस्वीरें हम आपको आगे दिखाएंगे, लेकिन इससे पहले कि तस्वीरों के माध्यम से टीएलएम मेले के विषय में हम आपको जानकारी दें, यहां पे उपस्थित हैं मुख्य अतिथि माननीय एबीएसए साहब, तो इनसे मिलाएंगे और बातें कराएंगे। दो चार चीज़ें हैं जो आपको हम आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे, बस आप बने रहिए और देखते रहिए हमारे साथ अल्पायु एक्सप्रेस। सर नमस्कार। नमस्कार सर, ये टीएलएम मेला जो लगा हुआ है, इसका मूल उद्देश्य क्या है? इसका मूल उद्देश्य ये है कि शासन की मंशा ये है कि 2022 तक हमें अपने प्रदेश को प्रेरक प्रदेश बनाना था। ये लॉकडाउन लग जाने के कारण यह प्रेरक प्रदेश बनाने का एक साल का और बढ़ा दिया गया है, यानी 2023 तक अपने हमारे परिषदीय विद्यालयों को प्रेरक प्रदेश बनाना है। उसके लिए शासन की तरफ से प्रेरणा सूची, प्रेरणा लक्ष्य और प्रेरणा तालिका निर्धारित की गई है कि जिसके सापेक्ष हमारे बच्चे इतना ज्ञान अपना रखते हैं तो उस हिसाब से वो विद्यालय प्रेरक विद्यालय बनेगा। इसी के एवज में ये हमारा जो टीएलएम मेला लगा हुआ है, जिससे हमारे अध्यापक बड़ी तन्मयता के साथ इस काम को कर रहे हैं और इसका धरातल पर जा करके दिखाएंगे बच्चों को कि हम कैसे अपने विद्यालय को उस स्तर तक ले जा सकते हैं जिससे हमारा विद्यालय प्रेरक विद्यालय बन जाए। जी एक और सवाल है हमारा, जो कि काफ़ी चुभता है लोगों के बीच में, कि आज प्राथमिक विद्यालयों में वेल ट्रेंड और वेल एजुकेटेड टीचर हैं, लेकिन लोगों की मानसिकता काफ़ी पीछे से है और लोग आज भी अपनी मानसिकता उसी टाइप की बनाए हैं, तो हमारे चैनल के माध्यम से आप अपने हमारे क्षेत्र के अभिभावकों से क्या मैसेज देना चाहते हैं? ये टीएलएम मेला, ये टीचर लर्निंग मेथड, ये वेल ट्रेंड टीचर, तमाम चीज़ें मौजूद हैं, तो अपने बच्चों को यहाँ भेजें, ऐसा क्या मैसेज है सर आपके माध्यम से? यहाँ मैं सभी अभिभावकों से यही प्रार्थना करता हूँ, अनुरोध करता हूँ कि हमारे यहाँ पर जो भी शिक्षक आते हैं वो हर स्तर से ट्रेंड होते हैं और अपने जो भी उनके पास ज्ञान है अच्छे प्रकार से, विद्वान किस्म के हमारे यहाँ अध्यापक हैं जो आपके बच्चों को उच्च शिखर पर ले जाने के लिए अपना योगदान दे सकते हैं और देते भी हैं। आप हमारे ब्लॉक में देख लीजिए, बहुत से विद्यालय ऐसे हैं कि जहाँ पर आप जाएंगे तो लगेगा कि उस विद्यालय के अध्यापकों ने कितनी मेहनत किया है। हमारे कई से विद्यालय ऐसे हैं कि जहाँ लोग रुक करके सेल्फी लेते हैं। क्यों लेते हैं? कि उस विद्यालय को वहाँ के अध्यापक अपने कर्मों से इस अच्छा इतना बना दिए हैं कि लोग सेल्फी लेने के लिए वहाँ विवश हो रहे हैं। जी जी, एक और सवाल है कि यहाँ का जैसा टीएलएम मेला है, इसको देख करके ये लग सकता है कि अब प्राथमिक विद्यालय की जो शिक्षा है काफी आगे जा चुकी है, तो इन लोगों की मेहनत के लिए हमारे चैनल के माध्यम से दो शब्द आपके मुखारविंद से। मैं इस शिक्षा क्षेत्र के सभी शिक्षक शिक्षिकाओं को मैं धन्यवाद देता हूँ और आशा भी करता हूँ कि मेरे शिक्षक शिक्षिकाएं तन मन के साथ मेहनत करते हुए इस ब्लॉक को प्रेरक ब्लॉक बनाने में अपने जिले में सबसे आगे होंगे। मैं यही शुभकामना सबको देता हूँ।
जी बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा आपने देखा टीएलएम मेले की सारी सुर्खियां आपके सामने तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे प्राथमिक विद्यालय शादियाबाद में ये टीएलएम मेले का सफल आयोजन किया गया। काफ़ी मेहनत की गई है और वो सारे टीचिंग मेथड मटेरियल यहाँ पे अवेलेबल है जो कि अच्छे अच्छे कॉन्वेंट स्कूलों में नहीं होता है। सारे हैंडमेड हैं और सारे लोगों की मेहनत इसमें साफ झलकती है। तो हमारे चैनल के माध्यम से एक बार मैं खुद आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, सारे अभिभावकों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अपने बच्चों को उच्च शिक्षा और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देनी है तो परिषदीय विद्यालय की तरफ रुख करिए और इन ए वेल एजुकेटेड शिक्षक और शिक्षिकाओं के कदम से कदम मिला के चलते रहिए। हम ऐसे और भी जगहों के आपको ले जाएंगे, बस आप देखते रहिए अल्पायुक्त से। तब तक धन्यवाद। शोभा बढ़ाने के लिए उपस्थित सभी मेरे कार्यक्रमों में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करने वाले जिनको मैं दिल से बहुत मानता हूं और ये सेवानिवृत्त भी हो गए हैं, फिर भी मैं समझता हूं कि अभी हम लोगों के सेवा काल में ही हैं। जब तक मैं रहूंगा तब तक तो मैं उनको इसी तरह से सम्मान दूंगा और मैं इस विद्यालय को जब से मैं आया हूं बड़े अरमान के साथ इस विद्यालय को मैं मानता हूं और मैं चाहता भी हूं कि यह विद्यालय